दिखाते हैं जो खबरें आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सच जरूरी है। लघु सिंचन विभाग की ओर से तालाब के काम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है, जिसके चलते लघु सिंचन विभाग सवालों के घेरे में है। मोरगांव अर्जुनी तहसील के तहत आने वाले लघु सिंचाई के विभाग में उप अभियंता भरत कर ने बड़े पैमाने पर तालाब के काम में भ्रष्टाचार किया हुआ है। इसकी विशेष खबर हमें हमारे चैनल पर प्रसारित की गई है, जिसके बाद इस तालाब की निर्माण कार्य की गहनता से पड़ताल विभाग की ओर से की गई है, जिसके चलते विभाग के उप विभाग अभियंता भरत कर स्वयं अपने टीम के साथ तालाब के निर्माण कार्य को देखने स्वयं पहुंचे। उन्होंने खुद माना कि इस तालाब के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। देखते हैं इस पूरी विस्तृत मामले की पड़ताल। तहसीलदार साहब ने परमिशन दिया नहीं है, तहसीलदार से एसडीएम मैडम से मेरी बात हो चुकी है पूरे संदर्भ पर। इसने कोई परमिशन निकाली होगी ना, तो परमिशन का कागज दिखा देने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट पर। साथ खड़े हैं घरतकर साहब, जो हमें अभी हमारे इस पूरे जो भ्रष्टाचार किया गया है इसको डायरेक्टली हम आरोप लगा रहे हैं घरतकर साहब के ऊपर कि यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर ने भ्रष्टाचार किया हुआ है। और इन्होंने जो मार्किंग करके दिया था वो मार्किंग के ज़्यादा इन्होंने जगह खोद के रखी हुई है, और इसने जो जो कॉन्ट्रैक्टर को इन्होंने गाइडलाइन दी गई थी वो गाइडलाइन में काम नहीं हुआ। इस बारे में हम जानकारी लेंगे, बताइए घरतकर साहब क्या क्या डाले। हमने तो जगह का खोदा होगा, उसके बारे में हमको कुछ लेना नहीं। हमने जो दो मार्किंग की थी उसने खुदा है, वो जगह का खोदा होगा वो तहसीलदार ने दिया, किसी ने परवानगी नहीं, उसके बारे में हमको कुछ नहीं मालूम। हमने जो दिए थे उतना काम किया उसने। लघु सिंचाई विभाग का जो लघु सिंचन विभाग होता है जिला परिषद का, ये लघु सिंचन विभाग का तालाब है। ये तालाब की अगर मुरूम या कुछ भी खुदाई करनी होगी तो तहसीलदार तहसीलदार या जो भी जिनको भी परमिशन देनी होती है वो लघु सिंचन विभाग के उप विभागीय अभियंता से या कार्यकारी अभियंता को पहले वो एक इंटीमेट लेटर देते हैं कि भाई आपके यहाँ के तालाब की नहीं नहीं ये नॉर्म सीआर में है वो देता है, हमको दिया था, हमको पिछले बार भी नहीं दिया, पिछले बार भी आपके वो भी नहीं दिया उसने अभी तक, तहसीलदार ने बताया हमको। बाद में हमने तहसीलदार को बोला कि सर हमको पहले इंटरव्यू करते जाओ ताकि हम देखे हम कहाँ खुद राय करें। पूरे मामले में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, जिसके चलते इस तालाब में मिट्टी दो चोरों ने चोरी है, अरविंद पालीवाल नरेश मणिराम चांदेवाल। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, खुद उप विभागीय अभियंता भरतकर ने कहा है। यह पूरा मामला मिली जुली सरकार पर चला। लघु सिंचाई का तालाब इसकी गहराई बढ़ाने का काम गोंदिया के ठेकेदार को दिया गया था, जिसके चलते ठेकेदार ने तालाब खुदाई का काम नरेश मणिराम चांदेवाल और अरविंद पालीवाल को दिया गया था। दोनों ने मिलकर तालाब की मिट्टी सीधे तौर पर लोगों को बेची। जब हमने इसकी पड़ताल की तो अभियंता ने कहा मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वेस्टवेयर जो है वेस्टवेयर आखिर बनाएगी इसका था नहीं ना जी, इसका था नहीं, इसलिए अभी जो बना है जब पानी आने के बाद जब नियोजन होगा जब उसके बाद उसको रिपेयर करके अपन जो भी फिर वेस्टवेयर का पानी किधर जाएगा, वो तो गांव में जाएगा, वहां से नाला तो है नहीं, वहां से बना हुआ दूसरा वेस्टवेयर जगह है नहीं, इसलिए यही जगह पहले इस जगह थी और ये जो आपका और वो खोद काम की पार बनाने के हम खड़े रहते थे डायरेक्ट मट्टी बेचने का काम चल रहा था भैया। देखिए वो विषय कैसा है, हम भी यहाँ पे आके इंटीमेशन देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब पर्टिकुलर उस समय जो फिर पंचनामा तहसीलदार साहब के आदमियों ने आगे कराया उसको बंद कराया काम, इसलिए फिर हमने उधर दिए थे भैया मार्ग। अब कैसा हो जाता है कुछ तहसीलदार साहब भी पत्र देते, और सीरियसली आपको बता दूंगा भैया मैं, तहसीलदार साहब कई बार ऐसे पत्र देते हैं, होता है ऐसा कि हमको न बताते हुए भी लोग निकाल लेते हैं। सेम मैटर आपको वहाँ पे भी आएगा, कभी मौका पड़ाऊंगा ये इतनी बड़ी 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 वो खोदते हैं साहब, तो वहाँ से भी हमको मैसेज आते हैं, अपन जाते हमको पता ही नहीं रहता कौन खोद रहा है। चांदेवाल नहीं नहीं वो नाम हम तो नहीं मालूम, लेकिन अब लोग हैं नहीं, हमने न्यूज़ में लगाया है।